कि इस वीडियो में इट्स नो यूज़ ऑफ से बनने वाले कुछ वाक्य हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और आप इसे बोलने में अवश्य ही यूज़ करेंगे। इट्स नो यूज़ ऑफ, इसका हिंदी है का कोई फ़ायदा नहीं है, का कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे कोई काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसमें बताना है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसका रूल क्या है। इट्स, इट्स का मतलब था इट इज़, इट्स नो यूज़, इट्स नो यूज़ ऑफ का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफ के बाद में आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो आप बात कहना चाहते हैं उस क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म यहाँ नोट करना है, आपको लिखना है, उसके साथ में आईएनजी लगानी है और आईएनजी जोड़ने के बाद में जैसे गो का गोइंग करना है, जैसे मान लीजिए वर्क है तो वर्किंग करना है, टेल है तो टेलिंग करना है, से है तो सेइंग करना है, सीट है तो सीटिंग करना है, इस तरह से लिख करके उसके बाद में प्लस में ऑब्जेक्ट यानी जो चीज़ है वो लगा दीजिएगा, यानी क्या या किसको, जिसका जवाब आता है वो चीज़ यहाँ नोट की जाती है। ऑब्जेक्ट वही होता है, क्या का और किसको से जो जवाब मिलता है वही इसका ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ लिखिएगा। तो देखिए आज का जो पहला सेंटेंस है, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिखते हैं यहाँ इट्स, इट्स नो यूज, इट्स नो यूज ऑफ, इट्स नो यूज ऑफ टेलिंग ए लाई, इट्स नो यूज ऑफ टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, चाय पीने का कोई फायदा नहीं है, यानी चाय पीने का जो कोई फायदा नहीं है ये बताना आपको। तो लिखिए इट्स नो यूज, इट्स नो यूज ऑफ, इट्स नो यूज ऑफ, पीने को टेकिंग भी कह देते हैं, जैसे टेक का टेकिंग करना है और ड्रिंक का ड्रिंकिंग करना है, हैव का हैविंग करना है। तो सबसे जो ज़्यादा प्रचलन में रही है क्रिया उसको यूज़ कर लेते हैं, हैव लगा करके उसको आईएनजी देंगे तो हैविंग बन जाएगा। इट्स नो यूज ऑफ हैविंग, ऑफ हैविंग, हैविंग टी, हैव का अर्थ होता है जैसे कि पीना है, खाना है, खाने पीने वाली चीज़ों के लिए हैविंग यानी हैव का यूज़ हम कर सकते हैं और आईएनजी लगाएंगे तो हैविंग बन जाएगा। पी रहा यानी पी रहे, ये इसकी हिंदी बन जाती है, लेकिन यहाँ जेरंड के रूप में है ये। इट्स नो यूज़ ऑफ हैविंग टी, चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। देखिए अगला, बेकार में भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिखते हैं इसको इट्स नो यूज, इट्स नो यूज़ ऑफ वांडरिंग, डब्ल्यू ए एन डी ई आर आई एन जी, इट्स नो यूज ऑफ वंडरिंग अबाउट, अबाउट विदाउट, विदाउट एनी इशू। इट्स नो यूज ऑफ वंडरिंग अबाउट विदाउट एनी इशू, बेकार में विदाउट एनी इशू का मतलब बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी मसले के, यानी फालतू में यानी बेकार में, निष्प्रयोजन में भटकने का कोई फायदा नहीं है, हो गया। इट्स नो यूज ऑफ वंडरिंग अबाउट विदाउट एनी इशू। देखिए अगला सेंटेंस, इसमें भी वही शब्द है, बेकार में रोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज, इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग, क्राइंग में नहीं रोना, तो इसके आईएनजी जोड़ेंगे आप, क्राइंग हो जाएगा। इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग मीनिंगलेसली, एम ई एन आई एन जी, मीनिंगलेस, इट्स नो यूज ऑफ क्राइंग मीनिंगलेसली, बेकार में यानी फालतू में रोने से कोई फायदा नहीं है, अर्थहीन रूप से
रोने का कोई फायदा नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, यानी फालतू में रोने का कोई फायदा नहीं है। देखिए अगला अगला सेंटेंस है, जरूरत से ज़्यादा खाने का कोई फायदा नहीं है। जरूरत से ज़्यादा खाने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको शुरू करते हैं इस तरह से, इट्स नो यूज़ ऑफ। अब खाने पीने वाली चीज़ों के लिए हमने पहले भी आपको बताया हैव का है, जैसे हैविंग कर सकते हो और वैसे ईट भी कर सकते हो, ईट मीन खाना होता है सीधा ही, तो इट्स नो यूज़ ऑफ ईटिंग, ईट मीन खाना होता है, इसकी आईएनजी लगा दीजिए ईटिंग। जरूरत से ज़्यादा खाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ ऑफ ईटिंग मोर, ईटिंग मोर देन अनफ। मोर देन अनफ, जरूरत से ज़्यादा ईटिंग खाना, इट्स नो यूज़ ऑफ ईटिंग मोर देन अनफ, जरूरत से ज़्यादा खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के बस इतने ही सेंटेंस थे, तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।